मैं यही जानना चाह रहा हूँ दीपक भाई कि अगर आपके बारे में कोई जाके गूगल पे पढ़ेगा या आपके कुछ इंटरव्यूज यहाँ वहां से ढूंढना शुरू करेगा तो कई जगहों पे आपके नाम के पहले ये लिखा होगा कि ये भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले कलाकार हैं। अब अच्छा मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। सवाल मेरा ये है कि जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं आपके साथ, लेकिन आपके मतलब कलाकारों के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार माने जाते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो या इस तरह के जितने भी सम्मान होते हैं जिसके बाद एक कह सकते हैं कि कलाकार की एक छवि बन जाती है कह लें, तो आप अभी तक उन पुरस्कारों तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये जो आपका बर्ताव रहा या जो ये आपकी नाराजगी रही या जो आपने ये सो कॉल्ड आप जिसको कहते हैं कि एटीट्यूड दिखाया, क्या कहीं ये बाधा तो नहीं बन रहा है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको कि एक तरफ आपके बारे में लिखा जाए कि आप भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले हैं, लेकिन अगर कोई आपको अवार्ड की कसौटी पर तौलने बैठे तो शायद उसको कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा डाइसी सवाल है ये, बट मैं बताऊंगा आपको, 100% बताऊंगा। जी देखिए इसमें क्या क्या है कि मैं इससे थोड़ा सा रिवर्स जाता हूँ। रिवर्स, मैंने 2015 में मैंने डिसाइड किया था, और वो मेरा, जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं कभी हिंदुस्तान में कोई भी फिल्मी जो अवार्ड नाइट्स होती है, या कभी भूले भटके कोई अवार्ड अगर मुझे मिलेगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो कोई भी अवार्ड हो, कोई भी टाइप का फिल्मी अवार्ड कोई भी हो। आई हैड ए वेरी बैड एक्सपीरियंस। एक बहुत नामचीन अवार्ड फंक्शन होता है, मैं और मेरी वाइफ को पहले फ़ोन आता है कि आपका, मेरे को बोला कि आपका जो एल्बम है वो नॉन फिल्म कैटेगरी में वो है, और उसको मैंने बोला मैं आऊँगा, अगर मुझे मिल रहा है तो आऊँगा, मैं नहीं तो नहीं आऊँगा। बोला नहीं मिल रहा है, और आपको हम अपना दो या चार, आपको कितने वीआईपी गोल्ड कार्ड, मैंने गोल्ड क्या होता है वीआईपी सुना था, गोल्ड कार्ड क्या होता है, मतलब गोल्ड मतलब आगे वाला, आगे वाली सीट। तो मैंने आगे पीछे क्या फ़र्क पड़ता है, बैठना है और क्या, अवार्ड लेके जाना है, ख़त्म बात। तो उन्होंने गोल्ड कार्ड दिए मुझे दो, तो मैं और मेरी वाइफ गए थे उस अवार्ड फंक्शन में, सो कॉल्ड अवार्ड फंक्शन। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सदमा लगा। हमारे हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी विभूतियाँ जो 12वीं 13वीं रो में बैठे हुए थे, और जो अभी निकले हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा मैं किसी का वो नहीं कर रहा, उनका कोई कसूर नहीं, वो लोग सब फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तो मैं उठ के उनके साथ बैठा पीछे, मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम यहीं बैठो, मैं उनके साथ पीछे बैठता हूँ। पहले तो वहीं पे मेरे को झटका लगा। फिर सर वहां पे ये हो रहा था कि कौन अवेलेबल है, कौन आया है। तो जो आया है बड़ा पर्सनालिटी, जो सेलिब्रिटी है या जो भी है, सेलिब्रिटी तो हर चीज हर फील्ड में ही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वहां हाथों हाथ चेंज हो रहा था मामला, कि इसने फ्री में परफॉर्म किया, इसको मिलना चाहिए, इस कैटेगरी में इसको अवार्ड दे दो, ये आया। तो अब वो मेरा एल्बम, वो म्यूजिकली भी बड़ा रिच था, और अपना उसकी फिजिकल सेल भी बहुत थी, उस समय सीडी का दौर था, और डिजिटली भी काफ़ी वो मतलब बिका है, जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मतलब 23 घंटे में वो एल्बम कुछ नंबर वन पे था रिलीज होने के। एनीवेज, तो वो मेरे को नहीं मिला, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है कि मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी संतुष्टि हुई, और मैंने एक सीखा उस चीज, वो उस दिन सीखा मैंने कि हिंदुस्तान में खास करके ये जो फिल्मी कार्यक्रम होते हैं, जो फिल्मी अवार्ड्स होते हैं, उसमें मैं, उसके बाद मुझे कुछ कुछ आए, फोन आए कि आपका ये गाना उसमें नॉमिनेट, मैंने आपको जिसको देना है दे दीजिए, मैं तो नहीं आऊँगा, और कभी भविष्य में लाइफ में मैं अवार्ड के पीछे नहीं भागता। मेरा अवार्ड बताऊं क्या है, आप हो मेरा अवार्ड, जो आप मेरे से इतने घंटे से बात कर रहे हो, आप म्यूजिक को समझते हो। मेरा अवार्ड है कि पंडित रविशंकर जी आकर के, अभिनव जी के साथ आकर के मुझे बुला करके मेरा माथा चूमा, वो मेरा अवार्ड है। मेरा अवार्ड है कि लता जी, लता दीदी ने उनकी कंपनी से अपना मेरा एल्बम लॉन्च किया, क्लासिकल का, वायलिन सोलो का, और अपने हाथ से लॉन्च रिलीज किया एल्बम, वो मेरा ग्रैमी, मेरा सब कुछ है वो। हाँ, ये मेरा अवार्ड है कि जो ऑडियंस प्यार से सुनती है,
वो मेरा अवार्ड है। तो बात रही पद्मश्री की या इसकी, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जो जो भी डिसीजन मेकर जो भी जो जूरी में हैं, या मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, या तो उनको म्यूजिक पता नहीं है शायद, या उनको म्यूजिक की समझ नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि कौन किस लेवल का काम कर रहा है। तो ये सारा लॉबी है सर, ये एक बड़ी लॉबी है। तो ये आपकी अगर मिनिस्ट्री में या कहीं अच्छी पहचान है तो आपको पद्मश्री मिल जाएगा, या पद्म भूषण भी मिल जाएगा, या भारत रत्न भी मिल जाएगा, यू नेवर नो। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो जिनको सीधा स्ट्रेट अवे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए सीधा। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं लाइक इलैयाराजा सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और कोई डिसिप्लिन नहीं रहा सर, और ना इस अवार्ड की वैल्यू रही है। आज बहुत सारे कलाकार हैं, शंकर जी को बहुत लेट मिला, सुरेश वाडेकर जी को बहुत लेट मिला, उनसे पहले जिनको मिला आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो मुझे पता नहीं डिजर्व करते कि नहीं करते, लेकिन उनको बाद में मिलता तो अच्छा रहता। आज की तारीख में क्लासिकल गाने वाली, हाँ, फीमेल आर्टिस्ट क्लासिकल जिसको बोलना चाहिए कि एक अलग लेवल पे ले गई है कौशिकी चक्रवर्ती, मेरे हिसाब से उनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ, कुमार बोस जी हैं, हाँ, सपन चौधरी जी हैं, और काफी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर, अभी नाम गिनाने जाऊंगा तो मतलब वो यहाँ इस कंट्री में क्या है, मरने के बाद ही आपको पूजा जाता है, या आप खरीद लो अवार्ड, या खरीद लो, या आप मर जाओ उसके बाद आपका स्टैचू बन जाएगा, ये हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ में कोई दिलचस्पी मेरे को डे वन से नहीं रही, और जब इस चीज़ की गंदगी पता चली कि ये तो बड़ा ही दलदल है, ये तो यहाँ से ध्यान ही अट गया, बिल्कुल ध्यान कभी था भी नहीं पहले भी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कि एक आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो तो उसका एक मज़ा होता है कि यार मैं ये चीज़ रिसीव करने जा रहा हूँ, मुझे इस लायक समझा। अभी तो क्या हो गया कि आप अच्छी पहचान है आपकी, कर दो तीन चार फोन लगा दो, तो एक दो साल में जैक लग जाएगा आपका, तो वो नहीं चाहिए सर, वो वैसा नहीं चाहिए काम, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा दीपक भाई, वो एक मुनव्वर राणा साहब का शेर है, जी जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और मैं आपके इस फैसले का सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोगों ने इतनी लंबी बातचीत की उसमें ये तो समझ में आ ही गया कि आप अपने अपने उसूलों पर आप बिल्कुल खड़े रहने वाली बात है। तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है, और उससे मैं आता हूँ अभी। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है, और शेर है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो ये जो आपका इश्क है, यानी जो आपका वायलिन है, ये बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, और जो लोग हम लोग को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा वायलिन का है, तो ये क्या इश्क, आप अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए जैसा मामला है कुछ सर। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मेरे दोनों तीनों वायलिन जो हैं वो स्टूडियो में है, लेकिन मैं आप सबसे जितने दर्शकगण हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सिलसिला यहां ख़त्म नहीं हुआ, एक एपिसोड पूरा प्लान करेंगे जिसमें मेरा वायलिन भी साथ में होगा, और वो मैं मेरे भैया के साथ फिर से करूंगा, तो वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं सर। और रहा सर कि एक दिन ऐसा नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट ना खुले और रियाज ना हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस जन्म में, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वही एक सहारा है, वो सहारा हो भी नहीं, लेकिन हमको खुद को अंदर से वो घुटन होती है कि अगर एक दिन संगीत ना हो, या एक दिन रियाज ना हो, म्यूजिक ना हो, तो अजीब सा लगता है। तो बस कोशिश करता हूँ कि अपना काम लाइफ में जितना बड़े बुजुर्गों से सीखा है, अपने पिताजी से, ताऊ जी से, अपनी माता जी से, सभी से सीखता हूँ मैं। तो एक और चीज़ मैं आपको सर बताना चाहूँगा, ये जो मेरा फिल्मी भूत था ना, ये फिल्मी भूत ऐसा उतरा मेरा कि मैंने कसम खाई कि मैं कभी जिंदगी में फिल्म का म्यूजिक नहीं करूंगा। एंड ऑफ द डे मुझे म्यूजिक करना है, तो मैं फिल्म का म्यूजिक क्यों करूं भाई, मैं अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूं। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो अब ये हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही रिवायत शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे जगजीत अंकल बताया करते थे जब वो बड़े फेमस थे एक टाइम पर, कि फिल्मी लोगों के घर में पार्टीज होती थी, उसमें वो घंटों घंटों गाया करते थे, वो चित्रा आंटी भी कितनी बार होती थी, इसलिए करते थे कि उनको कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि एक फिल्म का गाना तुमको हम देते हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि जहाँ उम्मीद होती है ना, और जहाँ आप फ़ोन करते हो या जहाँ से कोशिश करते हो कि इधर इसको मिल लूँ तो ये काम हो जाए,
वहाँ आपको जिंदगी में काम नहीं मिलेगा, काम आपको अलग से मिलेगा। और काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचना बंद करो। तुम कुएं में भी बैठोगे ना और तुम्हारा काम पक्का होगा। ये मोबाइल वोबाइल तो अभी है, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ, कुछ सालों से ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको लोग घर से पकड़ के लेके गए कि नहीं आप ही चाहिए। बिल्कुल, आपको भी पता है आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए। कोई परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं, सब में खामियां हैं, सब में खूबियां हैं, वो ऐसी खूबी है कि वो उसी में। लेकिन जो आदमी इनसिक्योर, अपने आप को इनसिक्योर फील करता है ना कि अरे यार ये चीज़ में अगर यहाँ इसको उस समय मिल लेता तो मेरा ये काम हो जाता। ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपको इस महीने में आपको इतना पैसा आना है। वो कैसे भी आना है, वो आप अपना खुद अपने सोलो कॉन्सर्ट करके कर लो या किसी के साथ संगत करके कर लो या किसी और के साथ बजा के कर लो या जैसे भी, वैसे ही डेस्टिनी है, ये मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन आप अपना जो कर्म है, कर्म कार्मिक जिसको बोलते हैं, अपना उठ के अपने मेहनत करना, अपना रियाज करना, हाँ अपना अगर कुछ काम आ रहा है तो उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना करो। ना बोलना एक बहुत बड़ा आर्ट है सर। तो मुझे अभी भी आते हैं मेरे को काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं फिल्म के म्यूजिक के लिए, अब तो नहीं आते खैर, क्योंकि वो जो तीन शर्तें हैं वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है इंडस्ट्री में। वो तीन शर्तें ये हैं, मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ आपको कि बिल्कुल जो भी मैं कंपोज करूंगा, आप सिटिंग कर लो मेरे साथ, मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, सिनॉप्सिस दे दो, सिनॉप्सिस देने के बाद जो सिचुएशन आपने मार्क की उस पर डिस्कस करो, एक साल क्या तीन साल डिस्कस करो। मैं बोलता हूँ मैं जितना मैंने सीखा है मैं उसको बैठ करके 10 चीज़ें कंपोज करके मैं एक चीज़ पे फाइनलाइज करता हूँ। करेक्ट, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे क्या चलन हो गया है कि आप ऑप्शन दीजिए, ऑप्शंस बनाइए, 30 गाने बनाइए, 8 गाने बनाइए, 12 गाने बनाइए। अरे भाई क्यों बनाए भाई, जब पहला ही अच्छा है तो क्यों बनाए। नहीं ऑप्शन बनाइए ना, अच्छा ऑप्शन बनाते हैं, चलिए आप मुझे वैलिड पॉइंट बताइए क्यों ऑप्शन चाहिए आपको। आप अगर ऐसे विद्वान हो कोई लोग कि बोले कि यार मेरा सुबह का मूड है तो उसमें तू कुछ अपना ललित में कुछ कंपोज कर, ऐसे तो लोग हैं नहीं कोई, ठीक है ना, है तो वो किसी और कारण से घिरे हुए हैं, उनको किसी और की सुननी पड़ती है। तो किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है। मैं प्रेशर रिलीफ काम करना चाहता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। मैं फिल्म का नहीं कर रहा, अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ। तो मेरी तीन शर्तें जो हैं कि मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, एक गाना बनाया मैंने वो ही जाएगा, उसका अरेंजमेंट आप डिस्कस कर लो क्योंकि सिनेमा है तो उनके अनुसार आपको चलना पड़ता है, वो कर लो आप डिस्कस। उसके बाद आप सीधा स्टूडियो आइए, मास्टर लेके जाइए। अगर मेरा टेम्पो 89 है तो 89 रहेगा, वो 90 नहीं होगा। और लिरिसिस कौन लिखेगा वो मेरा कॉल होगा। हाँ अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि यार ये अच्छा है एक बार ट्राई करो तो डेफिनेटली करूंगा मैं, अगर मेरी नॉलेज में है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अच्छे सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अभी यार इस सिंगर से ट्राई करते हैं, उस सिंगर से ट्राई करते हैं। अरे आलू भाजी सब्जी है क्या, ट्राई करते हैं। हाँ हर सिंगर का अपना एक मयार होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक गला होता है, अपना एक स्केल होता है, अपना एक टेम्पो होता है, एक पेस होता है हर सिंगर का। आपने ट्रैक बना दिया है, आप किसी भी सिंगर को बुला के डब करा रहे हो और बोल रहे हो ये अच्छा नहीं गा रहा या अच्छा नहीं गा रही, आपने उसको पूछा कि तुमको गाना है तो उसके स्केल डिसाइड करो ना पहले, उसका टेम्पो डिसाइड करो, उसका स्केल डिसाइड करो। सही। आज 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 फॉर एग्जाम्पल आप नरेंद्र चंचल जी को एक बात बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बुरा मानने वाली बात, नरेंद्र चंचल जी हाई पिच रेंज है, आप उनको खर्च के नोट पे गवाओ, चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो चला गया टाइम। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि यार पुराने गाने आज भी, मतलब पंचम दा के, एस डी बर्मन साहब के, सलील चौधरी साहब के, खयाम साहब के, ये सारे मेरे फेवरेट हैं, मदन मोहन साहब के, वो सब इंट्रोड्यूट के साथ बायहार्ड है क्योंकि वो लोग जिए हैं सर उन गानों के साथ, जिए हैं, महीनों महीनों रिहर्सल होती थी, एक एक म्यूजिक, जो पर्कशन प्लेयर है ना उसको भी पता है कि यहाँ पे ए एक्स्ट्रा छक छिक नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। हाँ सिंगर अलर्ट हैं, सबको पर्चा कोई नहीं देख रहा। अभी तो गाना रिलीज होता है तो पता चला, अच्छा ये गाना डुएट था क्या, तुमने भी गाया था क्या, अच्छा ये गाना मैंने बजाया था क्या। आप जीते नहीं हो ना गाने के साथ, आपको आया, आपको 16 बार बजाना है या ये गाना है ये गा दो, यू ट्रैक बजाया हुआ है कीबोर्ड पे, आपको उस गाने का कोई आप घुसा ही नहीं, आपके अंदर दिल में ही नहीं घुसा, आपको
पर्चा देख के आप गा रहे हो, वो मैकेनिकल होना ही है सर। बाकी बेड़ा गर्क कर रखा है मेलोडाइन ने और एंटारेस ने कि हर कोई सिंगर है, अभी तो पता, हाँ ट्यून कर लेना, कितने सिंगर बोल के हाँ ट्यून कर लेना, कहाँ से असर पैदा हुआ, असर होगा ही नहीं, इसलिए असर नहीं आज के काम में, बिल्कुल असर नहीं। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, सॉरी आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक पहले से शुरू हो चुका है। जगजीत अंकल ने देखा कि यहाँ दाल निकलने वाली फिल्म इंडस्ट्री में, अपना कुआ खुद खोदो, अपना पानी खुद पियो। उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, अपने लाइव कॉन्सर्ट शुरू किए, एक जगह बना ली। हाँ, हिंदुस्तान में जगजीत अंकल, पंकज उदास जी, इन लोग के पीछे इंडस्ट्री भागी है सर, इन लोग इंडस्ट्री के पीछे नहीं भागे, तो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही तो है, और क्या है। बिल्कुल। और भी कलाकार हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं गजल की बात कर रहा हूँ, जो जगजीत अंकल, पंकज दास जी ने जो अपना एक जो स्टेटस और एक जो चीज को मेंटेन किया। मुझे पंकज जी से कितनी बार मेरी बात होती है, आज कितनी बड़ी बात है कि उनके गाए हुए गजल या गीत, वो मैक्सिमम जो फिल्म में बनी है वो उनके ऊपर पिक्चराइज हुई सर, वो सिचुएशन क्रिएट किया डायरेक्टर ने, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो